आ, आपने राम सेतु के बारे में क्या सीखा है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कुछ एक आर्क्योलॉजिकल नेचुरल फॉर्मेशन था जो 20-25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्रॉस करने के लिए 90 परसेंट तो बना हुआ था वहाँ पे कुछ फ्लोटिंग स्टोन्स मिले हैं हमें जो अभी भी दिखाते हैं लोग कोरल टाइप के बहुत बड़े बड़े कोरल्स होंगे शायद जो इस कमरे के भी से भी बड़े वो इन और बहुत हल्के थे वो क्योंकि कोरल्स बेसिकली हॉलो होते हैं एयर पॉकेट्स होते हैं जिनकी वजह से वो फ्लोट फ्लोट कर सकते हैं हाँ और हल्के हैं वो उनको उन्होंने डाला और वो गैप को फिल किया और वो आराम से क्रॉस कर रहे हो उन्होंने कोई पूरा ब्रिज नहीं बनाया क्रॉस करने के लिए ब्रिज नेचुरल फाउंड इसके लिए आज भी शिप्स जा नहीं सकती है वहाँ से वो बना हुआ था एक नेचुरल स्टोन का दस पंद्रह हज़ार साल या उससे भी पुराना होगा वो उसके ऊपर एक गैप्स उन्होंने भर दिए तो पूरी आर्मी को क्रॉस करने के लिए वो एक एक तरह से ब्रिज बन गया वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं आज भी आपके तो सैटेलाइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जरूरत ही नहीं सैटेलाइट पिक्चर्स से तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि okay. वो बना हुआ है वो ओके okay. हाँ। लंका के बारे में बात करते हैं आप लंका गए हो श्रीलंका गए हो बिल्कुल हम तो वहाँ दो हफ्ते वहाँ रहे और राम और रामायण और रावण से जुड़ी हुई जो कहानियाँ जो जगहें हैं अशोक वाटिका है जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई जहाँ पे हनुमान पहले लैंड किया अशोक वाटिका में वहाँ पे उनके फुटप्रिंट भी देखने मिलते हैं खैर वो अब मतलब कितना बिलीव करो आप उसके ऊपर है पर स्टोन में फुटप्रिंट बना हुआ है और बड़ा क्लियर दिखता है कि जो रावण की जो टेरिटरी है वो लोग कहते हैं कि श्रीलंका वॉज फाइव टाइम्स बिगर देन वॉट इट इज़ टूडे जी जी ये और ये साइंटिफिकली भी सच हो सकता है क्योंकि सी लेवल्स सब बिल्कुल अलग थे तो वन फिफ्टी बचा है ट्वेंटी परसेंट जी बट जो मेन एरिया है और अमेजिंग चीज़ हमने देखी और हम तो जाके अंदर देख के आए कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन रावण की सेना जो है वो पांच मिनट में क्रॉस कर जाती थी और ज़मीन के अंदर होल्स बने हुए टनल्स बने हुए और हम एक या दो दो टनल के हम अंदर गए जहाँ पे पाँच सात दस फीट आप नीचे जाते हो और वहाँ से पूरा आपका रास्ता बना हुआ है और वो दूसरे माउंटेन को कनेक्ट करता है और हमारे गाइड ने कहा कि सर आप चलिए दो तीन सौ मीटर आगे आपको एक बहुत बड़ा लीक मिलेगा पर हम जा नहीं पा रहे थे हम थोड़ा डर भी गए और प्रॉपर गाइडेंस नहीं था टॉर्च होनी चाहिए रोप होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ कहीं गिर जाए और अनथोराइज हम एक तरह से जा रहे हैं तो हमने मना किया पर वो गाइड जो है कुछ लोग गए हैं और श्रीलंका में ये ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ ये होल्स बने हुए हैं जहाँ से आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पाँच मिनट में पहुँच सकते हो एंड okay. फिर हम कुछ केव्स में गए सीतावाध नॉट इन अशोक वाटिका ऑल द टाइम रावण इस उसको हर आठ दिन दस दिन में अलग अलग जगह लेके जाते थे वो ओके okay. और हम एक केव में गए जहाँ से वो केव जो है दो किलोमीटर आगे जाके एक वाटरफॉल से कनेक्ट होता है तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जगह हमने देखी जहाँ पे रावण से रिलेटेड बहुत कहानियाँ और बड़े क्लियर इंडिकेशंस मिलते हैं कि ये जगह वही है जो रावण की टेरिटरी थी मॉडर्न uh, डे में अशोक वाटिका का है कहाँ ये साउथ ऑफ श्रीलंका में है और श्रीलंका में तो पूरी आपकी दस बारह दिन का एक रामायण ट्रेल है बड़ा सरप्राइजिंग है कि इंडियन गवर्नमेंट आज इसे पॉपुलराइज कर रही है श्रीलंका में तो आप जाइए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको ये आठ दस दिन की पूरी जर्नी पे लेके जाएगा फ्रॉम टिंकोमली और टी गार्डन से होते हुए यू कम राइट अप टू कोलंबो जहाँ विभूषण का कोरोनेशन हुआ बाद में कोलंबो में ही कोलम्बो से थोड़ा पास में है और श्रीलंका जब बाद में जब रावण की मृत्यु हो गई तो विभीषण जो है वहाँ के किंग बने लोग कहते हैं कि वो एक चिरंजीवी है ना विभीषण करेक्ट मतलब आप शार... नर्मदा की परिक्रमा करो तो सात चिरंजीवियों में एक विभीषण भी आपको okay. मिलते हैं वहाँ श्रीलंका के लोकल्स मानते हैं कि यही रावण की लंका थी बिल्कुल ओके okay. वो रामायण को मानता रामायण को मानते हैं लोगों की गलतफहमी हमने जाके श्रीलंका में बहुत मंदिरों में बहुत लोगों से मिले कि हम रावण को पूछते हैं ये बात गलत है राम को ही पूछते हैं फर्क शायद इतना है कि वो रावण को कंप्लीटली नेगेटिव नहीं मानते ग्रे कैरेक्टर मानते ग्रे से ज़्यादा वो कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा बहुत वाइज बहुत स्कॉलर जिसने एक गलती की जिसके कारण उसे राम के हाथों मरना पड़ा आनंद नीलकंडन सो आए थे इस पॉडकास्ट पे उन्होंने कहा कि जो साउथ इंडिया में रावण के टेम्पल्स हैं मंदिर बने हुए आ, जैसे हम सरस्वती की पूजा करते हैं नॉलेज के लिए और विद्या के लिए उसी तरह कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं नॉलेज के लिए विद्या के लिए क्योंकि वो नॉलेज के देवता भी माने जाते हैं मैं वही कह रहा हूँ तो वहां उनको एक रिस्पेक्ट है ओके बट संभड़ी जो बहुत बहुत पढ़ा लिखा बहुत वाइज इंसान एक गलती की और उसके कारण सारा ख़त्म हो गया तो वो इस तरह से मानते हैं इंडिया में जैसे हम रावण दहन वो जो करते हैं वो श्रीलंका में उस तरह का नहीं है कि हमने रावण को पूरा हमने रावण को पूरा नेगेटिव बना दिया और अब वो व्हाट्सएप पर गाने चले कि दस आपके इवेल्स हैं वो दश अवतार उनको आप डिस्ट्रॉय करो तो श्रीलंका में उस तरह से नहीं मानते लोग कि रावण इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर है

जो सी साइड तो आपको जो देखने मिलता है वो वो एक आपका ट्रैवल अनुभव भी बहुत सुंदर है बहुत वार्म लोग होते हैं बहुत वार्म है टूरिज़्म वहाँ पे वही मुझे लगा कि बड़ा दुख होता है कि इंडिया में जो राम की जो पूरी यात्रा है वो जिस तरह से प्रमोट नहीं की श्रीलंकन टूरिज्म में आप वेबसाइट पर जाइए तो आपको दस दिन के बारह दिन के आपको पैकेजेस मिलते हैं सिर्फ श्रीलंका से राम के टूरिज्म से जुड़े हुए रामायण से जुड़े हुए और बहुत हॉस्पिटेबल कंट्री है जिस तरह से आपको वेलकम किया जाता है जो क्लेंडलीनेस है वहाँ पे जो डिसिप्लिन लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक के बारे हर चीज़ में आपको वो इंडिया से बहुत अलग है hmm. वो जेन्यनली आपको फील होता है कि आप फॉरेन कंट्री में हो दिखने में हमारे जैसे लोग हैं बट उनका तरीका एयरपोर्ट से ले हर जगह पर आपका वेलकम जो होता है और टूरिज्म के हिसाब से तो श्रीलंका आपको पक्का जाना चाहिए जस्ट टू तो एक्सपीरियंस नॉट जस्ट रामायण टेल बट श्रीलंका इट आपके पूरे ट्रेवल्स में से सबसे ज्यादा स्पेशल मोमेंट क्या थी आपके लिए जैसे मैंने बताया कि भक्ति का जो एलिमेंट जो श्रद्धा का जो एलिमेंट जो सब जगह देखने मिलता है जैसे एक आ, मैंने बताया कि एक आई का ग्रेजुएट है पर अभी वो प्रीस बना हुआ है किशकिंदा में या चित्रकूट में वो चालीस पचास साल से कंटिन्यूस मानस का पाठ हो रहा है ये आपको बहुत अचंभित करता है और उससे एक भक्ति का जो भाव आता है मैंने तो कहानियां नहीं सुनाई जैसे चित्रकूट में जो कहानियां हैं आप जब वो अलकनंदा उसे कहते हैं जो नदी के किनारे आप जब वो आरती देखते हो शाम को वो अनुभव इतना सुंदर है वहाँ की जो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ चित्रकूट की कि वो इंद्र के पुत्र थे जिन्होंने सीता को देखा सीता माँ को नहाते हुए और वो बड़े सीता इज सो ब्यूटिफुल वो बहुत एनेमड हो गए उन्होंने जाके उनको छूना है पर छू नहीं सकते ऐसे तो कौवा बन के चले गए अब यहाँ पे देखिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कैसे सेम इवेंट को अलग से डिस्क्राइब करते हैं वाल्मीकि इज तो अ स्टोरी टेलर तो बता रहे हैं कि उसने जाके उनकी ब्रेस्ट को छुआ तुलसीदास हैं वो सीता मैया है। आई कांड शो कि उन्होंने तो कहते हैं उसने उनके पैर को चोंच मारी वो तो छूना चाहते हैं वो अब लक्ष्मण ने देख लिया और उन्होंने एरो रिलीज कर दिया अब वो जाके एरो फॉलो कर रहा है और वो विष्णु के चरण में मुझे बताइए तो बताया कि देखो एरो तो निकल गया तो वो तो, तो, तो आपको तो एक जगह वहाँ पे केव है जहाँ पे ये उल्टे लटके हुए हैं